क्या वाकई में भारत कर रहा है कोई बड़ी तैयारी? भारतीय सेना को ताकतवर विमान देने के पीछे क्या है सरकार की मंशा? मोदी के मित्र पुतिन भारत को क्या गिफ्ट करने वाले हैं? करेंगे इन तमाम मुद्दों पर चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। दरअसल 10 महीने पहले चीन ने भारत की सीमा पर एक ऐसा विमान मुस्तैद किया था जिसका कोई तोड़ भारत के पास नहीं था। जब से भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है तब से चीन हमारी ताकत से डरने लगा है, लेकिन हथियारों के मामले में वो आज भी भारत से आगे है। इस बात का डर कई डिफेंस एक्सपर्ट भी जता चुके हैं। 10 महीने पहले जब इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि चीन के इस बम बरसाने वाले H-6 के विमान के मुकाबले के लिए हमारे पास कुछ खास नहीं है, हमें इस मुकाबले के लिए TU-160 जैसा खतरनाक स्ट्रेटजिक बॉम्बर विमान चाहिए जिसकी रफ्तार आवाज से भी दोगुनी हो, जो सेकेंडों में सैकड़ों बम बरसा सकता है। अब चूंकि ये रूस का सबसे खास विमान है, इसलिए पीएम मोदी ने खुद पुतिन से बात की और सहमति बन गई है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश को मोदी और पुतिन की दोस्ती का फायदा पहले सस्ते पेट्रोल और सस्ते कोयले से मिल चुका है और अब इंडियन एयरफोर्स को भी इसका फायदा मिलेगा। अगले कुछ समय में भारत रूस से ऐसे खतरनाक 6 विमान खरीदने वाला है जिसे चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया जा सकता है, ताकि न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान भी अपनी हैसियत में रहे। हालांकि भारत हमेशा शांति की बात करता है, लेकिन चीन की चाल को देखते हुए पॉलिसी बदल सकता है। 75 सालों में इंडियन एयरफोर्स को एक भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर विमान नहीं मिले, जो बड़ी नाकामी है। भारत के पास सिर्फ टैक्टिकल बॉम्बर और फाइटर प्लेन है, इसी से भारत ने एयर स्ट्राइक कर दिया। अगर TU-160 भारत के पास होता तो 15 सेकंड में इंडियन एयरफोर्स एयर स्ट्राइक कर देती। चीन के पास H-6K और अमेरिका के पास B-1 बॉम्बर है, लेकिन TU-160 के मुकाबले बहुत कमजोर है। ये 52,000 फीट तक उड़ता है, 45,000 किलो बम ले जाता है, रडार की पकड़ से दूर रहता है। TU-160 सेकंड्स में बम गिरा सकता है, इसलिए अमेरिका भी इससे डरता है और चीन थर्राता है। अमेरिका की नाराजगी के बावजूद भारत ने रूस से S-400 खरीदे, जिसके बाद अमेरिका ने भी भारत से कह दिया था कि भारत रूस से हथियार खरीद सकता है। ऐसे में भारत अब बम बरसाने वाला विमान भी खरीद रहा है। अभी चीन की सीमा पर जिस तरह का विवाद चल रहा है, ऐसे समय में भारत को अपना डिफेंस सेक्टर मजबूत करना काफी जरूरी है। भारत के विदेश मंत्री S. जयशंकर 3 सालों से बात दोहरा रहे हैं कि सीमा पर हालात सामान्य नहीं है, इसलिए भी मोदी सरकार तैयारियों में जुटी है। मैंने 2020 और 2021 में कहा है और 2022 में भी कह रहा हूँ कि चीन के साथ हमारे संबंध सामान्य नहीं है। सीमा पर स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है, ये खतरनाक स्थिति भी हो सकती है, इसलिए हम बातचीत कर रहे हैं। 15 दौर की कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है। भारत की सीमा में लड़ाकू विमानों को उड़ाने और पेंगोंग शो झील पर हेलीकॉप्टर उड़ाने और अपनी सीमा में रोड और पुल बनवाकर चीन भारत को उकसा रहा है, जबकि भारत अभी अपनी तैयारी में जुटा है। पहले मोदी सरकार ने कश्मीर में टनल बनवाए, फिर सीमा तक टैंक गोला बारूद पहुंचाया, कई लड़ाकू विमानों को सीमा पर तैनात किया और अब देश के इतिहास में पहली बार दुनिया का सबसे खतरनाक बम बरसाने वाले विमान खरीदे जा रहे हैं। अक्टूबर महीने में चीन सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूरी पर भारत और अमेरिका की सेना युद्ध अभ्यास भी करने वाली है, जिससे चीन ज्यादा परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।